मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मेरे मॉडल का नाम मल्टीपर्पज मैकेनिकल मशीन है। सर, यह रेसिप्रोकेशन के सिद्धांत पर वर्क करता है। सर, हम इस मशीन का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में कर सकते हैं। सर, आप देख रहे हैं, इस एक्सेल से हमने एक व्हील जोड़ा है। इस व्हील में हमने एक पीस लगाया जो साइमल्टेनियसली मूव करता है, जिसके एक तरफ हम शेपिंग का काम कर सकते हैं और उसके एक तरफ हम कटिंग का काम कर सकते हैं। सर, इस व्हील में हमने एक गियर जोड़ा है। गियर से हमने एक ड्रिलिंग मशीन फिट की है, जिससे हम किसी भी वस्तु को ड्रिल कर सकते हैं। सर, हम इस मशीन का उपयोग तीनों काम एक साथ एक ही स्थान पर कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग कारखाने बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे हम तीन अलग अलग स्थान की भी बचत कर सकते हैं। और तीनों काम एक साथ एक ही स्थान पर कर रहे हैं, तो हम 3 गुना समय, 3 गुना एनर्जी, 3 गुना मैन पावर, 3 गुना रुपए की भी बचत कर सकते हैं। सर, हम इसे इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हैं अभी, इसलिए हम 3 गुना इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत कर सकते हैं। हम इसे सोलर पावर से भी चला सकते हैं। सर, किसी भी मशीन में पोर्टेबिलिटी आज एक महत्वपूर्ण गुण है। आज दुनिया के हर क्षेत्र में इसकी महती आवश्यकता है। आज विज्ञान और इंजीनियरिंग के हर क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण प्रगति में से एक के रूप में इसे मॉडिफाई किया है। सर, हमने इस रॉड को हॉलो रखा है और इस फ्लाई व्हील को हमने सॉफ्ट रखा है, ताकि यह हल्का रहे, चिकना रहे और घर्षण रहित रहे, जिससे मशीन पर लोड ना पड़े। और सर, हमने इसमें 4 बेयरिंग्स लगाई है, 2 वर्टिकल बेयरिंग्स और 2 हॉरिजॉन्टल बेयरिंग्स। सर, हमने हेक्सा ब्लेड और शेपिंग पिन को ओरिजिनल रखा है। और सर, हमने गियर लगाया है और यहाँ पर हमने ड्रिलिंग चेक लगाया है और ड्रिलिंग बिट लगाई है, जिससे हम ड्रिलिंग पिन को के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। सर, हम इसे 1 mm से 6 mm तक ड्रिल कर सकते हैं। और सर, हमने इसके फ्रेम, पहले इसका फ्रेम सॉफ्ट प्लेट का था, हमने इसे आयरन रॉड लगाया है, जिससे, और सर, यह फोर्टेबल भी है, जिससे हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। और सर, यह ड्रिलिंग बिट को हमने हल्का कसा है, जिससे हम इसे खोल सकते हैं। इस नट की सहायता से हम इसे खोल सकते हैं और इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। थैंक यू सर।